अत्याचार हो रहा है। रोहित जी ने बहुत बुरा करा, ये सब मुझे बंद कर दिया कमरे में। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, मुझे बंद क्यों कर, मुझे गुस्सा आ रही बहुत तेज। रोहित जी कॉल दो, कॉल अनवी रो रही है मेरी, इसकी मम्मा को बंद कर दिया ना इसलिए रो रही है। कुछ सरप्राइज मंगवाया मैंने तेली, शायद आज आ गया दिखे इसलिए इन्होंने मुझे, मैं नहा के निकली, मैंने अभी छोटी छोटी कुछ भी नहीं करी, फटाफट नहा धो के निकली और इन्होंने मुझे फटाफट, मैं इधर ही खड़ी थी एकदम से, इन्होंने धरती ना बंद कर दिया बकरी का, जिसे में इन्होंने बंद कर दिया आवाज से, खोल दिया। क्या है ओ, ये क्या है? अरे तो सामने से माइक्रोवेव है ये। अरे वाह, बाबू नहीं कितने लीटर का है ये? 28 लीटर का। हाँ जल्दी खोलो यार इसे, क्यों इंस्टॉलेशन के लिए आएगा। तुम मुझे ये सरप्राइज दे रहे थे इसलिए नहीं बताया, इतने दिन से पूछ रही थी मैं क्या सरप्राइज है, क्या सरप्राइज है, बताया नहीं उन्होंने मुझे। 12 बजे हैं, ये मेरे बच्चे अभी तक नहाए नहीं है, लेट उठे थे। सितंबर 2021। ओए चुप मत खड़ा हो, तोड़ेगा क्या? खोल तो लो कम से कम। नहीं ना, हमें नहीं खोलना है। ये पानी पानी कैसे पड़ा है यहाँ पे? तो फिर आप क्यों खोल रहे हो? फिर नहीं खोलना तो इसको रखेंगे कहाँ किचन में यार, स्टैंड लगवाना पड़ेगा इसको। 28 लीटर का है तो इधर तो आएगा नहीं, कहाँ लगेगा? इधर लगवाऊंगी फिर मैं, है ना? जैसे ये लग रहा है एसएच के नीचे एक और आता है वो सिटी। ये सरप्राइज ये है ना माइंड सर्विस का, अच्छा लगा मुझे। मैं नहा धो के, हम तैयार भी नहीं हुई फटाफट, छोटी छोटी कुछ नहीं करी मैं। नहाना नहीं है, पागल हो रहे हो? पूजा करनी है अभी, गोवर्धन है आज। चक्कर में ना आज मेरा बहुत काम बढ़ गया, देखो मेरी चाय भी नहीं बची, काली हो गई बिल्कुल। कितनी सारी चाय बनाई थी, सॉरी निकल गई चाय। फिर से बुलाया मम्मा, मम्मा मैं तो सो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, मैं तो मैं सो गई थी कुछ देर के लिए। तो अब ये उनका वेट वाला आ गया, वो इंस्टॉल करेगा। अब तू बटन दबाती रही है। अच्छा दूध भी बना सकते हैं। फ्रिज बंद करो, फिर से बोल रहे हो। ये वाला कौन सा ऑप्शन है? नंबर 1 जो भी सिलेक्ट करना, 2, 3, 4, 5 जो भी है, फिर इसको स्टार्ट कर देंगे। जो भी डिश होगी उतना टाइम ले लेंगे, उतना ऑटो फीड है, ऑटो फीड है सब कुछ, सारा ऑटोमेटिक है। टेम्परेचर आपका और जो है टाइम सब ऑटो फीड है। ये भी ऐसे पार्ट दही बनाने के लिए, तो दही का भी कितनी देर में जाता है? दही इसमें बहुत सॉरी 6 से 7 मिनट, 8 मिनट आपको लेगा। फिर उसके बाद में आपको फिर दोबारा से फ्रिज में फिर रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें वो हो जाएगा बन जाएगा तो ये है कि उसमें ये है कि हाँ ये हो जाएगा कि आप मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। बाकी ये चाय ले लो फिर, हाँ ये सही है। 3 सेकेंड आप टेस्ट करेंगे, कोई बटन काम नहीं करेगा। अब इसको खोलेंगे तो फिर से दोबारा से
ठीक है, समझ गया। ये क्या कर रहा तू? अच्छा ओके भैया, थैंक यू। मेरे घर की लक्ष्मी है ये वाला। हो नहीं रहा दोस्त, कोई जब चीज नहीं आती ना तो भगवान का नाम लिख करना चाहिए। अब ऐसे की दिवाली का ये सब भी जरूरी है। उन्होंने इसे सिलेक्ट कर दिया है, हमारा रेडी है अभी, तो हमें यहाँ फिट हो जाएगा ना। यहाँ पे हमारा मन हटा के काम करवाएंगे जिन्होंने कैमरा बनवाया है, तो चलो मिलते हैं। तो दोस्तों वाइक लग गया है, मेरा खाना तैयार होगा। पहले मैं अपनी एक फ्रेंड को एक गिफ्ट देने चली गई थी, तो इन्होंने पीछे से मेरे आ दिया है गोवर्धन। आज गोवर्धन है तो गोवर्धन की पूजा होगी शाम को। शाम हो चुकी है, अब थोड़ा कड़ी चावल बन जाए, इसके बाद मैं पूजा वूजा करूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार इन्होंने कैसा बनाया। इन्होंने बना दिया गोवर्धन। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इन्होंने बनाई है, मैं पूरी छौक के गई, बस ये चला रहे हैं। अगर आपको गलत नहीं झूठ बोलो यार, तो नहीं तो कमेंट में गलत कमेंट आ जाएंगे कि पति को काम करवाती रहती है। दोस्तों मेरे यहाँ पर कड़ी चावल बन गए हैं। पानी पानी जय जाओ अंडी लो, चक्के लगा लो। चलो ये लोग लगाएंगे, मैं नहीं लगाऊंगी चक्कर। माता का टेको ये का मार यार, टेक भगवान जी यहाँ बैठे हैं, ये बैठे भगवान जी। हाँ ये लड्डू गोपाल को भूख लगा दो, उनके पास ले आते कटोरी। दे दिए ना मम्मी को भी कटे, निकाले के मुंह से। हाय हाय नहीं खाने तो हाँ, मैं कड़ी चावल इनको खाना ना खिला देती हूँ। तो अभी दोस्तों अभी 9:30 बज रहे हैं, मैं बाजार जा रही हूँ। कल भैया तो जो मैं भूल गई थी, कुछ लेके नहीं आई मैं। दीदी मेरी सुबह 7 बजे आ रही है, सुबह तो टाइम ही नहीं मिलेगा मुझे लाने का। सुबह 7 बजे तो मार्केट भी नहीं खुलती। तो भाई भी आ रहा है मेरा घर पे, तो फटाफट मैं ले आती हूँ सामान फटाफट जाके। और दोस्तों एक चीज और, मैं अपना सूट नहीं लाया था, सूट पहनना मुझे जो नया रोहित जी ने दिलवाया वो तो भूल ही गई मैं। वो भी सिल गया होगा, अगर कोई दिक्कत हो गई ना, मैंने उससे बोला था एक दिन पहले दे देना भैया दोस्त से, कोई भी कमी होगी तो मैं एक दिन पहले ठीक हो जाएगा। अब बताओ मैं कैसे क्या करूँगी, समझ में नहीं आ रहा रोहित जी। बस अगर मैं बहुत ब्लक्कड़ हो गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। मेरे नीचे ही है, इनको मैं जैकेट आके लेके आई हूँ, तो जैकेट पहना के लेके जाती हूँ। तो दोस्तों मैं अभी सूट लेने आई थी, तो पता नहीं ये लोहे से कैसे पटाखा फोड़ रहे, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। क्या ये लोहे का क्या बोलते थे, पटाख पटाख है ये, और इसमें ये बाद डाल रहे हैं, और ये फिर ये करेंगे। अबे यार अबे जितना ज्यादा डालेंगे उतनी तेज आवाज। अच्छा चलो ओके भैया बाय बाय। तो दोस्तों मैं घर आ गई, तुम्हारा मन ले आई हूँ, और मेरा सूट तो सिला नहीं है, उसने ऐसा धोखा दे दिया ना। मैंने उससे बोला है कि मुझे 12 बजे तक चाहिए, तो ये कह रही है कि वो चला गया है जो सिलता है, गांव चला गया ये वो, पता नहीं अब सच बोल रही क्या बोल रही है। 2 दिन हो गए उसके पास, आज का दिन कल का दिन। अब मैंने उसको बोला है कि मुझे 12 बजे तक चाहिए, उसने बोला है मैंने काफ़ी फोर्स करा उसे, तो तब उसने बोला कल 11 बजे तक आपको सूट रेडी हो जाएगा। देखते हैं सच है या झूठ है, कल ही पता चलेगा। चलते सोते हैं, कल एक नई वीडियो के साथ फिर स्टार्ट करूंगी आपके साथ एक नया ब्लॉग। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड राधे राधे। दोस्तों आज गोवर्धन है तो हैप्पी गोवर्धन।